हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। गेट कॉम्बैट में एक और क्वेश्चन, इस बार मैंने टॉपिक लिया है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली बता दूं, स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है। अब मुद्दे की बात यह कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, अगर थोड़ा सा अपन इसके बारे में भी जाने तो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, अगर आपसे बनेगा बहुत अच्छी बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेसिक मैं कुछ क्वेश्चन की बात भी करूंगा, मतलब कुछ मैं उसके अंदर जाऊंगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात भी कर लूंगा, ताकि कोई अगर खोजेगा या कोई अगर देखेगा कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आपने नहीं किया, स्टैंडर्ड डेविएशन यूट्यूब पे हमारे पास, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एक नॉर्मल से क्वेश्चन को टच कैसे करना। ठीक है, इसी के बाद मैं अगली कड़ी में एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रॉपर फॉर्म में मैं यूज करूंगा, तो इसके जस्ट बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगा बेसिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मेरे पास क्वेश्चन है ये द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स, इन नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और नंबर्स मेरे पास है 31, 32, 33 46, 47 ईज, और फिर ब्लैंक दिया हुआ मेरे पास। तो एक बेसिक सा मेरे पास कॉम्बैट मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। अगला जो मैं क्वेश्चन दूंगा गेट कॉम्बैट का ही, अगला जो मैं क्वेश्चन दूंगा इस कॉम्बैट में, वो जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशियंट ऑफ वेरियंस के साथ मैं मिक्सिंग करके दूंगा, यहाँ पर मीन वगैरह की भी बात होगी। तो अभी फिलहाल इसका सॉल्यूशन में आप देखिएगा, आप सॉल्व करिएगा, पहले तो खोज लीजिएगा कैसे निकालना, बहुत आसान चीज है। उसके बाद फिर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो उस सॉल्यूशन में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि क्या है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्टली, कैलकुलेशन में फॉर्मूला से उसको कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, मीन वगैरह का क्या वहां पे रोल है। तो जस्ट कल आप 9 बजे बने रहिएगा, 9 o'clock इसके सॉल्यूशन के साथ मैं मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।